रही है हमारी यहाँ की नोएडा ट्रैफिक पुलिस, जो कि जागरूकता की, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। और अभी तक आप लोग जो है, आज 1 नवंबर का दिन है, आपकी नींद भी नहीं खुली होगी, लेकिन यहाँ हम पहुँच चुके हैं जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन ये कुछ इक्विपमेंट्स है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, ये अपने आप में एक बम की तरह लग रहे हैं। ये बम वैसा जो शायद आपकी नींद को खोल दे, और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि मैं सड़क पर चल रहा हूँ, किससे मुलाकात होने वाली है, और कौन एक योद्धा के रूप में यमराज से भी बड़ा खड़ा हो जाएगा, और आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो कुछ ऐसे ये इक्विपमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, कैसे अपने आप में फायर हैं, नोएडा ट्रैफिक पुलिस तो फायर है ही वो चीज़ें, लेकिन हथियार के साथ कैसे फायर, बंदूक नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनके पास वो शक्तिशाली चीज़ें मिला हुआ है, ताकि आपको भी इनके साथ जुड़ने के लिए और घर घर तक जागरूकता पहुँचाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब इसके बारे में समझ जाएंगे आप। तो आइए मिलते हैं, हमारे आदित्य प्रताप सिंह जी हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, और देखिए एक एक ये खुद ही अपना इंट्रो देंगे और खुद भी बताएंगे। मैं नोएडा ट्रैफिक पुलिस से हेड कांस्टेबल आदित्य हूँ, और ये ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए कि लोग यातायात नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें, ताकि यमराज उन्हें जल्दी अपने पास ना बुलाएं, और जिससे क्या हो, सब लोग सुरक्षित चले और अपनी खुशहाल जिंदगी को जिए। तो देखिए पहले शुरुआत करते हैं कैमरा के बारे में बताएंगे ये सारा हर चीज़। ये हमारा पुलिस के लिए कैमरा है, आजकल हेलमेट लोग लगाते नहीं है, 3-3 बाइक पर 4-4 बाइक पर बैठ कर जाते हैं। तो ये कैमरा, आप अगर हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम इसमें 24 आवर रिकॉर्डिंग विद वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ ये साक्ष्य हमारे पास मौजूद रहेगा। अगर आपने हमारे से जरा सी भी बदतमीजी की और वॉयलेशन किया यातायात रूल का, ट्रैफिक रूल अगर वॉयलेट किया, तो माननीय न्यायालय इससे निकाल कर जो साइंटिफिक एविडेंस है वो प्रेषित किए जाएंगे, उसमें आपको सजा ही मिलनी है। इससे अच्छा है कि आप हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। देखा आपने ये बम, अब ये हमारा ये दूसरा बम के बारे में भी जान लीजिए। ये है डेसिबल मीटर, ये है पटाखा फोड़। आजकल बुलटों पे फैशन का चल रहा है कि जाएंगे पटाखा फोड़ के चले जाएंगे। आपने पटाखा फोड़ा नहीं और हमने आपका 10,000 का पटाखा फोड़ा नहीं। आप 80 डेसिबल ऊपर से जैसे ही आपकी बाइक की या किसी भी व्हीकल की आवाज़ जाएगी, ये पटाखे के साथ आपको एक मैसेज देगा 10,000 का मैसेज जाएगा। इतने का तो मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं कराया होगा, जितने का आप जुर्माना ट्रैफिक पुलिस नोएडा को दे देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 80 डेसिबल, ये ध्यान रहे। ये हमारा पोज मशीन है, हेलमेट हम लगाएंगे नहीं। हमने आपको पकड़ लिया, आप कॉलेज से आए, आपने कहा जी पैसे नहीं है मेरे पास, तो क्रेडिट कार्ड है, हम क्रेडिट कार्ड से भी आपसे पेमेंट लेंगे, डेबिट कार्ड भी लेंगे, लेकिन क्या है, जाने नहीं देंगे, ट्रैफिक रूलों का पालन कराते ही मानेंगे। ये हमारा मूल उद्देश्य है कि किसी की ज़िंदगी बे जाए ना केवल। बात है, चलिए इसके बारे में देख लिया। अब देखिए, अब ये सोच रहे होंगे क्या है ये इसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, आप मस्त हो जाएंगे सुनकर के। ये है मधुशाला से जो निकले हमारे पास, जितनी जल्दी आ जाओगे उतनी जल्दी आपका 10,000 का चालान करूंगा, 3 माह के लिए सजा होगी, और 3 महीने तक गाड़ी नहीं चलाएंगे। दोबारा पकड़ लिया, 6 माह की सजा होगी आपको, साइंटिफिक एविडेंस के साथ पर्ची निकालूंगा विद फोटोग्राफ ड्राइवर के साथ, और माननीय न्यायालय प्रेषित कर दूंगा। मधुशाला से निकलो, ओला उबर का यूज कर लो और घर पहुंच जाओ सुरक्षित। अगर हमसे मुलाकात जितनी जल्दी होगी, ओला उबर का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि हमारा कोई प्रचार प्रसार का काम नहीं है, लेकिन यह कि आप किसी भी कैब से चले जाइए, लेकिन मधुशाला से निकलने के बाद हमसे ना मुलाकात हो। अगर हमसे मुलाकात होगी तो आदित्य ट्रैफिक पुलिस नोएडा वहाँ खड़ी मिलेगी आपको। देखिए जो पत्नियाँ देख रही हैं वीडियो, अगर उनको पता है कि उनके पति ड्रिंक करके आते हैं और कई बार हादसे के संदेश जाते हैं, तो ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके पति 3 महीने का कारावास, 6 महीने कारावास से अगर बचना हो, तो ओला उबर जैसे उन्होंने बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ताकि आप उस गाड़ियों का इस्तेमाल करें, कैब का, ताकि आप ऐसे मधुबाल वाले की अगर आदत है तो वहाँ जाएँ, ताकि आप खुद सुरक्षित घर पहुँचें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, क्योंकि वैसे जगहों पर, लेकिन अपनी गाड़ी भूल करके भी चलाने का प्रयास ना करें, क्योंकि पुलिस तो है ही डेडिकेशन के साथ खड़ा ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन जब आपके साथ ऐसे हादसे हो जाएंगे ना, तो उसे कोई वापस लेके आने वाला नहीं होगा। तो इस समय नोएडा ट्रैफिक पुलिस एक भगवान की तरह आपके घर के लोगों की ज़िंदगी बचाने का कार्य कर रही है, आपको समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें जागरूकता है ना, आप अपने सोसाइटी के लोगों को भी बताइए कि आप कैब का ही इस्तेमाल करिए, अपनी गाड़ी का ना, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी जो सड़क पर, जो आज 80% जो लोग मर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है, सिर्फ दूसरों की लापरवाही की वजह से। तो ऐसे हम बढ़ते हुए सड़क हादसों को रोक सकते हैं, जब आप ऐसी जागरूकता, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी आदित्य जी ने और जो भी नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने, ये आपको उन लोगों तक पहुँचानी है। हमें पता है कि आज़ाद भारत को खुशहाल भारत बनाने के लिए आप ज़रूर ये कदम उठाएंगे, ताकि हमारा देश सड़क दुर्घटना मुक्त भारत बन सके। आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर हमें बताइएगा। तब तक जय हिंद। बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छा लगा ये जोड़ा।